ध्यान रखिए ना। तो हाँ देखो मोबाइल में पीछे रुपया लगा रहता, मैं पूछे क्यों आगे, मैं आ रहा हूँ, देखो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप तो बहुत सुरीले आदमी है जी, बोलिए दया। सर 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 मैं एक बात विद्वान प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज देश सुन रहा है, इनको जानकारी नहीं है सर, इनको एक एक आदमी को उठा के देख लीजिए, और जो बात जिस भाषा का प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, लगता है कि चाय और समोसे की दुकान पर बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं। सर 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 एक चीज, एक बात, छोटी बात आपसे कहना चाहता हूँ, और इन विद्वान प्रवक्ताओं को सष्टांग दंडवत। आजा। हाँ। सस्पान दंडोत करता हूँ इन लोगों को। हाँ। अब वो मुद्दा खत्म हो गया सर, हमारे अंदर से भय खत्म हो गया कि अब बेरोजगारी हमारा मुद्दा रह गया है, हमारे अंदर से वो भय खत्म हो गया कि शिक्षा और चिकित्सा हमारे सामने कुछ रह गया है। भय एक बात का है प्रतीक सर, और आपके जैसे विद्वान जो न्यूज चैनल पर बैठे हुए हैं उनको मिर्ची लगेगा इस बात से, और वह यह लगेगा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं कल वह बोलेंगे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इस बात का डर हमको लगे। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस बात का डर लगेगा। आखिर क्या है कि विश्वास पैदा नहीं हो रहा, आखिर वो कौन? ऐसा तो नहीं है, ये एक मिनट रुको, ऐसा तो नहीं है कि ये जो टीवी वाले हैं यही सारी जड़ हैं, यही जड़ हैं, यही जड़ हैं? कहां बताओ, बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, आ गया हो। अरे ऑटो ऑटो कहाँ खड़ा किया, कहीं चालान ना हो जाए? ना चालान नहीं होगा। हाँ तो बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन का है ना, पॉल्यूशन वॉइस पॉल्यूशन है, मैं वॉइस पॉल्यूशन आई एम सॉरी वॉइस पॉल्यूशन का है, नॉइस पॉल्यूशन। हाँ नॉइस पॉल्यूशन सिर्फ इस अजान से ही क्यों हो रही है, गाड़ी से नहीं हो रही है? हाँ सिर्फ इसी चीज से क्यों हो रही है? क्या नाम है आपका? नितिन वर्मा कह रहे हैं वो अजान से ही थोड़ी ना मसला है, बहुत सारी चीजों से हो रही है। जी जनाब कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जकी नाम है मेरा। मोहम्मद जकी साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर वैसे तो हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। इन्होंने इलाहाबाद का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि क्या बोला, प्रयागराज। मोहम्मद जकी साहब आप फरमाए। सर मैं कहना चाहता हूँ अगर हमारे जो भी भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर इनको वाकई अजान से दिक्कत हो रही है, सुनो यार अच्छा लगता है जब कोई बोलता है आके शो में। हाँ। अगर वाकई दिक्कत हो रही है तो इनकी दिक्कत को समझते हुए मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये उम्मीद करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ठीक है उतार दीजिए लाउड स्पीकर, अगर हमारे देश के भाइयों को दिक्कत हो रही है तो हम क्यों नहीं, हम सब्र हमारे अंदर अल्लाह ने दिया हुआ है, उस सब्र का आप करिए, दिखाइए, शो करिए, हमने इस देश की आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो एक लाउड स्पीकर कुर्बानी हम क्यों नहीं दे सकते? इससे लाउड स्पीकर पर लेकर अजान नहीं होती, फिर नमाज नहीं होती। अंदर आइए। मोहम्मद जकी भाई क्या काम करते हैं आप? सर मेरा अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस, जकी साहब एक बात बताएं, कुरान शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे बड़ी चीज अगर किसी ने किसी को अगर दी है, अगर यहाँ पे इंसान को मिली है, वो है सब्र। और हमारे यहाँ चाहे रामचरितमानस उठा लीजिए, चाहे गीता, सबसे बड़ा इम्तिहान ही वही है जिसके पास सबसे ज्यादा सब्र है। और आपने जो फरमाया ना, वो रास्ता निकालने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर में चले, मैं कहता हूँ कि अगर हटे तो सब पे हटे, बिल्कुल हटे। अक्रॉस, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जकी। मोहम्मद जकी साहब के लिए ताली बजाइए। मोहम्मद जकी साहब आप इसके हकदार हैं, पूरी तरह से हकदार हैं, ये आपके नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता तो इतनी समझदार है, और उधर आग लगा हुआ है, आग लगाई है, आग लगाते हैं आग। भाई दोस्त मेरे भाइयों, जो एक भाई ने सुना ना, देश प्रेमी हूँ, ये देश, ये जनता एक रहना चाहते है, उसको रहने दो, मत बांटो। कहाँ के हैं? बिहार से। वजन कम करो पेट का। हाँ ये ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, 5 ऐसे खींचो ना, सांस ना खींचो, आधे रहो, रोज व्यायाम किया करो, प्राणायाम। क्या नाम हो गया? सुभाष दास। जय राम जी की। कैसे हो बेटा? अच्छे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पापा के साथ आयो आज के नॉट प्लेस। जय राम जी की। जी बोलो। क्या बोलो? हजार बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाके चमन में को मैं आया तुम्हारे पास पूछने के लिए, और तुम कह रहे हो क्या? जी बोलो बेटा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं दिल्ली में बचपन से हूँ। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई बोलिए। दिल्ली नबी करीब में रहता हूँ। हाँ जी, नबी करीब में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? मेरा मतलब पापा का मतलब दुकान है। दुकान, बोलिए। तो मतलब जैसे ही पहले कांग्रेस की सरकार थी, हाँ हाँ, तो मतलब हमें मतलब किसी की दिक्कत नहीं थी। हाँ। और जब से मतलब ये आई है तो दिक्कत ये है ना, मतलब कि जैसे कभी मतलब ये चीज महंगा हो रहा है, कभी वो चीज महंगा हो रहा है,
तो आदमी उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा आता है जिस पर मुझे बोले दो, कुछ ऐसा मुद्दा आता है जिस पर मतलब पब्लिक का ध्यान भटक करके। मैं आपसे सलमान भाई, मैं आपसे एक बात, आज आप आज हमसे भी गंडा बनवा लो, ताबीज लिए जाओ। मैं रुको एक मिनट, मैं आज ताबीज ही दिए दे रहा हूँ, तुम तो ताबीज हमसे भी लिए जाओ। एक क्या होता है कि जब तंग दिमागी से कोई चीज सोची जाए कि ये जो सामने वाला जो ना कैमरा, ये हमेशा हमेशा तिरछा ही दिखाता है, और ये दिखा सही रहा है मुझे, लेकिन ये लगता मुझे है कि ये जो है तिरछा ही दिखा रहा है। तो कभी भी इसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। लेकिन अगर ये कोशिश करोगे कि नहीं, ये कैमरा खूबसूरत दिखा सकता है, लेकिन अगर ये तिरछा दिखाएगा कभी, तो हम सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कैमरे को सही फ्रेम में चीजें दिखानी चाहिए, तो सारी चीजें जाएंगी। थोड़ा सा चीजें हटाओ, खुलो दिमाग, सही करो, तो चीजें बेहतर नजर आएंगी। मैंने इशारा